हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और आज मैं आपके साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर करने वाली हूँ, कोई डेली रूटीन भी नहीं शेयर करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने वाली हूँ। तो जैसा कि आज है करवा चौथ, लेडीज़ का फेवरेट फेस्टिवल, मेरा भी बहुत फेवरेट फेस्टिवल है, बहुत अच्छा लगता है। करवा चौथ में स्पेशली लेडीज़ इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि सबको ना मतलब ये एक्साइटमेंट रहता है कि कितनी अच्छी ज्वेलरी हम पहन लें, कितनी अच्छी साड़ी पहन लें, क्या क्या मेकअप कर लें, मेहंदी लगवा लें, मार्केटिंग कर लें। मतलब इतना शौक होता है कि पूरे साल इंतज़ार रहता है इस फेस्टिवल का। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो वॉइस थोड़ी सी फटी फटी सी आ रही है, तो इग्नोर करिएगा। तो सभी को बहुत एक्साइटमेंट होता है करवा चौथ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज है करवा चौथ, तो सभी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। और सभी लोग अपने इस फेस्टिवल को खूब इंजॉय करें, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें और सभी लोगों को अपने पतियों का साथ हमेशा उम्र भर तक के लिए मिले, हमेशा 7 जन्मों के लिए भी बोल रही हूँ, 7 जन्मों तक हस्बैंड का साथ मिले। तो बस यही विशेज है मेरी सबके लिए और अपने लिए भी सबके लिए। तो बस यही है। और पहले एक्चुअली करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। ऑल ओवर इंडिया में इतने ही धूमधाम से मनाया जाता है जितना कि यूपी में है, यूपी है और जितने भी स्टेट हैं सब में करवा चौथ इतने ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका जो मेन रीजन है, अदरवाइज कुछ फेस्टिवल होते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के होते हैं, जैसे यूपी के तीज वगैरह यूपी में मनाया जाता है और राजस्थान वगैरह में कजरी तीज ये सब मनाया जाता है, बिहार में लोग जुतिया ये सब व्रत मनाते हैं। तो हर स्टेट वाइज ना फेस्टिवल भी हैं, बट ये करवा चौथ जो एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर स्टेट में उतनी ही मतलब लगन से लेडीज एक्साइटेड होती हैं इसको मनाने के लिए। तो इसका जो मेन रीज़न है वो हमारे टीवी सीरियल्स हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जो टीवी सीरियल से ये मतलब फिल्मों से टीवी सीरियल से ये जो व्रत है वो बहुत पॉपुलर हुआ और लोगों को इसको करने का हर लेडी का मन करने लगा और धीरे धीरे सब जगह होने लगा। तो बस इस ऐसा ही कुछ ये त्यौहार है। और बचपन में जब हम लोग की बचपन नहीं जब हम लोग कि मतलब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो मैं मैरिड नहीं थी, तो उस टाइम मुझे भी बहुत क्रेज़ था कि मैं इस फेस्टिवल को रखूँगी, व्रत, नई नई साड़ी, नई नई ज्वेलरी, मतलब सब कुछ पहनने को मिलेगा, खूब मेकअप करेंगे, खूब सजे धजेंगे, मेहंदी लगवाएंगे। बट जब मेरी शादी फिक्स हुई तो, और हाँ करवा चौथ वाले दिन ना जो सरगी खाई जाती है सुबह सुबह उठ करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं लखनऊ में थी तो वहाँ मेरी लैंडलॉर्ड थी, मेरी आंटी जी, तो वो मुझे बहुत मानती थी। लैंडलॉर्ड तो मतलब ठीक है एक शब्द है, बट वो मेरे लिए किसी फैमिली मेम्बर से कम नहीं थी। तो वो जब भी सरगी खाती थी तो मेरा फास्ट नहीं रहता था, लेकिन फिर भी आंटी जी मुझे बुलाती थी कि तुम भी आ जाओ हम लोग के साथ थोड़ा सा खा लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ बैठ करके खाना, और व्रत तोड़ती थी तब भी खाती थी हम लोग के साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता, वो एक रस्म बहुत अच्छी लगती है। और करवा चौथ में वैसे तो हमेशा सास अपनी बहू को कुछ ना कुछ देती है, बट करवा चौथ जो व्रत है उसका जो नियम है उसमें बहुएं सास को एक बार ज़रूर पूरा श्रृंगार का सामान गिफ्ट करती हैं, तो वो भी रस्म बहुत अच्छी लगती है। मतलब अपनी सासू माँ के लिए बैंगल खरीदना, साड़ी खरीदना, तो मैं कभी कभी मम्मी से हंसती हूँ कि मम्मी आप मुझे रहने देती ना तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर के आती, तो मम्मी कहेंगी अरे यार अब मतलब नहीं होता है तो मत उसको बार बार बोलो, मुझे भी तुम्हारा मन देख करके ना बहुत मन कर रहा है कि कह दूं, बट बस डर लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मतलब मैं सीरियस बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप परेशान मत हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी बातें हैं। और मेन होता है हस्बैंड का साथ,
हमारा हम व्रत रहें या ना रहें, मन से हमेशा हमें अपने पति का साथ देना चाहिए और हमेशा उसका साथ पाने की भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बस मैं आज के दिन मैं अपने लिए भी वही भगवान से विशेष मांगूंगी और आप सबके लिए भी वही मांगूंगी कि हर किसी को अपने जीवन साथी का साथ जरूर मिले, हमेशा मिले, उम्र भर मिले। तो बस यही सारी बातें आप लोगों से मुझे करनी थी। तो चलो अभी आप लोग रेडी हो, आप लोग तैयार हो और मैं आप लोग को देख देख कर ही खुश हो जाऊंगी। सो गाइस, आज का जो डे है वो हर लेडी के लिए बहुत स्पेशल है और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगी होंगी किचन में स्पेशली, क्योंकि इस जो फास्ट का मेन होता है इसमें जितने आप खाना बना सको, जितने पकवान बना सको उतने बनाते हैं। तो हम लोग, मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी वहाँ, मतलब मेरी मायके में मम्मी फास्ट रखती हैं करवा चौथ का, भाभी भी रखती है। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें, कढ़ी है, मुंगौड़ा है, इस चीज़ की पकौड़ी है और मतलब रसियाव है, जितने खाने होते थे मतलब आप जितना बना सकते हो उतना खाना बनता था और हम लोग ना देख देख के इतना एक्साइटेड होते थे कि अभी ये सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी। तो आज सभी अपने अपने किचन में बिजी हैं, पार्लर में बिजी हैं, अपने अपने मेकअप करने में बिजी हैं। तो और मैं खाली बैठी हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मैं इसलिए फ्री हूँ क्योंकि मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ, और मैं क्यों नहीं रख रही हूँ तो वो सब मैं बाद में बताऊंगी। तो चलिए पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ। एक्चुअली जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं करवा चौथ का फास्ट रखूंगी। फिर मैंने मम्मी से फ़ोन में पूछा, जब करवा का जो फास्ट था तो मेरी नवंबर में शादी थी और अक्टूबर में करवा चौथ पड़ ही जाता है, इस बार है नवंबर में पड़ रहा, अदरवाइज करवा चौथ का जो फास्ट है वो अक्टूबर के मंथ में होता है, बेसिकली अक्टूबर के मंथ में ही पड़ता है। इस बार मलमास का जो महीना पड़ गया है इस कारण से ना सारे जो फेस्टिवल है वो थोड़ा लेट हो रहे हैं, अदरवाइज दीपावली भी ज़्यादातर टाइम अक्टूबर में ही हो जाती है, नवंबर नहीं आता है। तो मैंने अक्टूबर के मंथ में मम्मी से पूछा, यहाँ मतलब ससुराल में मम्मी से पूछा कि मैं भी करवा चौथ का फास्ट रख लूँ। तो मम्मी ने कहा कि रखना है तो रख लो, बट हमारी जो फैमिली है मतलब वो खुद नहीं रखती थी फास्ट, और हमारा जो परिवार होता है जैसे गांव में जो परिवार होता है तो वहाँ कोई भी नहीं रखता था। तो मम्मी ने ये बोला कि मतलब हमारी फैमिली में कोई भी करवा का फास्ट नहीं रखता है। तो मेरी भी बहुत इच्छा थी, जब मैं बाहर रहती थी पुणे वगैरह में रहती थी तो मेरा भी वहाँ लोगों को देख करके ना मेरा भी बहुत मन करता था रखने का फास्ट, लेकिन मैंने भी पर यही सोच करके नहीं रखा कि जब हमारे घर परिवार में कोई नहीं रख रहा है तो मैं कैसे रखूँ। तो ऐसा नहीं है, कोई भी फास्ट हम तब नहीं करते हैं जब कुछ ऐसी कोई ट्रेजिडी हो जाती है फैमिली में, तो वो त्यौहार हमेशा नहीं सेलिब्रेट किए जाते हैं। बट ऐसा करवा में कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट कोई रहता नहीं है तो इस वजह से एक मतलब माइंड में बात आ जाती है कि हम क्यों कोई नई चीज़ स्टार्ट करें। मतलब लगता है ना किसी जो ये व्रत होते हैं, दो ये त्यौहार होते हैं, इनको ना पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान करता है, जैसे हमारी फैमिली में लोग करते आए हैं तो हम भी करते हैं, अदरवाइज हम इस डर से नहीं करते हैं कि ये बिल्कुल नई चीज़ है हमारे लिए तो इसको हम ना करें। तो बस सेम चीज़ थी, तो मम्मी ने बोला ऐसा कुछ हमारी फैमिली में नहीं हुआ था कि किसी की डेथ वगैरह हुई थी तो इस वजह से ये फेस्टिवल हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो हम क्यों स्टार्ट करें, रहने दो तुम भी मत करो। तो मेरा ना एकदम फेस उतर गया कि यार मैं हमेशा सोचती थी करवा का फास्ट रखूंगी, लेकिन अब तो मम्मी ने ऐसा कह दिया। बट मुझे ये लगा कि नहीं, बड़े कह रहे हैं अगर तो फिर मैं भी नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ अच्छा करो, दिमाग में अच्छी चीज़ें रखो, बट अगर कुछ भी गलत हो गया तो एक माइंड में आ जाता है, भ्रम सा बन जाता है कि यार इस चीज़ के लिए मना किया गया था, हमने ये चीज़ नहीं करी, शायद इस वजह से ऐसा हो गया। तो बस यही सारी चीज़ें सोच करके फिर मतलब मैं भी कभी करवा का फास्ट नहीं रखी, जबकि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ और मैं इतना खुश रहती हूँ कि मैं अगर कभी कभी
मेरा मन किया करवा को किसी पर्टिकुलर, तो मैं तैयार भी हो जाती हूँ खूब अच्छे से, मेहंदी भी हाथ में लगा लेती हूँ, चंद्रमा को जल तो मैं मतलब चढ़ा ही देती हूँ, अर्घ दे देती हूँ, व्रत भले नहीं रहती हूँ, तो बस थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है। और जब सारी लेडीज जा करके छत पे छलनी से अपने हस्बैंड को देखती हैं, पूजा करती हैं ना, तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। छत पे ही मैं रहती हूँ, मैं सबको देखती हूँ, मुझे इसी में बहुत खुशी मिलती है। तो यही सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो अभी आज मेरा फास्ट नहीं है, और आज का ये जो वीडियो है ये मैं बनाने वाली नहीं थी बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरे फैन फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे डेली वॉच करते हैं, तो उन्हें वेट रहेगा मेरे करवा चौथ के वीडियो का। क्योंकि मेरी जो तीज वाला वीडियो था उसमें मेरे फैंस ने, मेरे फॉलोअर्स ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखे, तो मुझे था कि हाँ करवा के बाद भी उनकी यही एक्सपेक्टेशन होगी, और उन्हें ये सारी चीजें नहीं पता है, तो ऑब्वियस है वो मुझसे बाद में कॉमेंट करके जरूर पूछेंगे दी आपने करवा चौथ का वीडियो क्यों नहीं डाला, आपने करवा चौथ की पिक्स हम लोग के साथ क्यों नहीं शेयर करी। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अलग से एक एक को बताना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि मैं आज आप लोग को करवा चौथ की विशेस भी दे दूं, विश कर दूं आप सभी को, और उसके साथ साथ मैं अपना ना व्रत ना रहने का रीजन भी बता दूं। तो यही रीजन है मेरे फास्ट ना रखने का। तो गाइस, हमें अपने बड़ों से जो चीजें पता चलती हैं हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, भले हमारी कितनी इच्छा क्यों ना हो। तो मेरी बहुत इच्छा होती है, और लेकिन मैं खुश हूं, मैं दूसरों को देख के ही बहुत खुश हो जाती हूँ कि शायद मैं ही आज हूं। तो बस यही सारी चीजें थी, यही सारी बातें थी आप लोगों से शेयर करनी थी मुझे। और आप लोग अपने फेस्टिवल को खूब अच्छे से एंजॉय करिए, और अभी मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।